उकलाना से विधायक अनूप धानक का मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार कैथल पहुंचने पे करम जोशी से स्वागत किया गया। अनूप धानक ने उकलाना की जनता और गठबंधन के नेताओं का आभार प्रकट किया। अनूप धानक ने कहा कि वह चौधरी देवीलाल और डॉक्टर अजय चौटाला के सिपाही हैं। मुझे एक बहुत बड़ा मान सम्मान जो दिया है उसके लिए मैं तो सभी जनता का और डिप्टी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करता हूं और पूरी जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो मान सम्मान जो आज मेरे को दिया है वो पूरी हमारे जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने दो बार मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा और नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए मैं आज भी मैं उनका चौधरी देवीलाल के विचारों का सिपाही हूँ, उनका समर्थक हूँ और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का सिपाही हूँ। अनूप धानक ने दावा किया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार अच्छी चलेगी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अनूप धानक ने कहा कि चौटाला परिवार ने हमेशा कांग्रेस विरोधी राजनीति की है। अनूप धानक ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा की जनता के हित को देखते हुए भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। उम्मीद करते हैं पूरी बढ़िया तरीके से चलेगी। हम कांग्रेस के साथ क्यों सरकार बनाएंगे, हमें कांग्रेस के समय हमेशा हमने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की है और जो जनादेश दिया लोगों ने, जो फैसला दिया लोगों की ये भावना थी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाए। हमारे जो सुप्रीमो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने फैसला लिया, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे लेकिन उसके बाद राजनीति जब हम हमारी 10 विधानसभा जीते और भारतीय जनता पार्टी की जब 40 जो वो जीते तो प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को देखते हुए उनके वायदे पूरे करने के लिए उनको प्रदेश को अच्छी सहूलियत देने के लिए स्थायी सरकार देने का काम हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, हमारे सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने। अनूप धानक ने अपने पुरातत्व और म्यूजियम विभाग को महत्वपूर्ण बताया। अनूप धानक ने कहा कि हरियाणा में 1600 ऐसे स्थान हैं जिनका पुरातत्व की दृष्टि से काफी महत्व है। बुढ़ापा पेंशन के संबंध में पूछे जाने पर अनूप धानक ने कहा कि इस पर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। आज भी सीएम साहब से बात हुई इसमें, इस मामले में सीएम साहब ने बल्कि कहा है लगभग 1600 जगह ऐसी है हरियाणा प्रदेश में जो हमारे पुरातत्व विभाग की है, उसमें धीरे धीरे करें तो मैं 18 तारीख को मेरा ऑफिस ज्वाइन करूंगा, उसके बाद बैठ करके वहाँ मिल बैठ करके ऑफिस में सभी जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बैठ करके बात करेंगे, उनसे आगे की रूपरेखा बनाएंगे। पिछले 5 सालों का जवाब तो जो पिछले 5 साल रहे वो देंगे, आगे हम उनको बढ़िया सहूलियत प्रदान करने का काम करेंगे सभी अधिकारियों से मिल बैठ करके। जनता से हमने वादे किए हैं, बिल्कुल 51 करोड़ रुपये का हमने वायदा किया है लेकिन अब जो कि हम पूरी तरह से हम सरकार में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, दोनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र है वो मिल बैठ करके मिनिमम प्रोग्राम कमेटी के अंदर बैठ करके वो फैसला लेंगे और हमारे नेता फैसला लेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जेजेपी की घोषणाओं के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।